हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हालचाल हैं उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान सा मेकअप लुक जो कि मैम मेरी मेकअप के जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर की है उसी के प्रोडक्ट को यूज़ करके एक दुल्हनों के लिए प्यारा सा मेकअप तैयार करेंगे कलर्स को स्विच करके आप कौन से भी आई लुक तैयार कर सकते हैं एंड बेस uh, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी ये वीडियो हर एक बिगिनर के लिए है हर एक नई दुल्हन के लिए जिनको मेकअप करने से डर लगता है या बहुत ज़्यादा पता नहीं है आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर से करना कमेंट बार में कोई भी सजेशन बताना कोई भी रिक्वेस्ट बताना पर कुछ ज़रूर बताना गूंगे बन के मत बैठे रहना एंड दैट्स एट शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो के साथ आज जो प्रोडक्ट हम मेकअप करने के लिए यूज़ करेंगे बेसिकली वो वही प्रोडक्ट है जो मैंने आ, किसी दुल्हन को खरीदने के लिए कहा है ब्राइडल किट में प्रिटेंड करेंगे कि अगर आप बिगनर हैं तो आप अपना मेकअप कैसे करें मैं आपको हर चीज बताने की कोशिश करूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए सबसे पहला स्टेप है अपनी स्किन को प्रैक्टिस जरूर से करें मैंने आ, मेरी स्किन को अच्छी तरह वॉश कर लिया है अगर आप दिन में मेकअप करने वाले हैं किसी इवनिंग के इवेंट में तो मिक्सर करें किसी क्लिनजर को लगा के रिमूव कर लें एंड दूसरी चीज है कि मॉइस्चराइजर जरूर से लगाएं जैसे भी आपकी स्किन है ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन जो भी आप की स्किन की टाइप है उससे आपकी आ, स्किन प्लम्पी हो जाएगी फर्म हो जाएगी एंड मेकअप का एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि हम अफोर्डेबल चीज़ें ही लगाएंगे हमारे चेहरे सो so, ये एल्फ का प्राइमर यूज करूंगी मैं आप कोई सा भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं uh, अगर आपकी स्किन uh, में पोर्स है तो पोर्स मिनिमाइजिंग प्राइमर यूज कर लें uh, उसकी अफोर्डेबल ऑप्शन ये है मेब्लिन का बेबी स्किन सो so, इससे मैं इस एरिया में टॉप्स में लगा लूंगी ये हाइड्रेटिंग प्राइमर है ये मेरे चेहरे को हाइड्रेट कर देगा सो इससे इवनली मेरे पूरे चेहरे पे हम स्प्रेड कर देंगे अब एक और चीज है कि जब आप कोई प्रोडक्ट अपने चेहरे पे लगाते हैं ना उससे कुछ सेकंड्स दें सेट होने के लिए तब अगला प्रोडक्ट लगाएं क्योंकि एकदम से जब सारा कुछ लगाते हैं तो क्योंकि हो जाता है आप देखिए मेरे स्कार्स हैं मेरे चेहरे पे आज के मेकअप में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि अगर आपके चेहरे पे इम्परफेक्शन है तो उसको कैसे हाइड कर सकते हैं सो so, हमने प्राइमर लगा लिया है अगला स्टेप हमारा होने वाला है का फाउंडेशन फाउंडेशन के लिए हम अफोर्डेबल ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो वो है मिलानी का कंसील प्लस परफेक्ट इस शेड का नाम है जीरो फाइव नेचुरल बेस जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी सोचिता करें सो so, इसको फाउंडेशन को लगाने से पहले शेक कर लें या बॉटल को रोल कर लें क्योंकि कई बार क्या होता है कि आ, सेपरेट हो जाता है फॉर्मूला इससे और आप अपने बैक हैंड पे ले सकते हैं या फेस पे डायरेक्ट सो so, मैं एक पंप लूँगी सो हाफ मैं इस तरफ लगा दूँगी और हाफ इस तरफ दैट्स एट सो प्रोडक्ट को आप अपनी हाथों से कर सकते हैं पर हाथ इतने हाइजीनिक नहीं होते हैं और मुझे बहुत डर लगता है मेरे चेहरे पे बैक्टीरिया छोड़ने से क्योंकि फिर पिम्पल हो सकते हैं इन्फेक्शन हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है पर अगर आपके अच्छी तरह आ, हैंड वॉश हैं तो आप कर भी सकते हैं कोई गाल नहीं है पर अगर आप ब्रशेस यूज़ करना शुरू कर दो ना फिर आपको आ, हाथ यूज़ करना इतना अच्छा नहीं लगता अब मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ स्मार्ट ब्रशेस ये मेरे ब्रशेस हैं मेरे पास एक मेकअप ब्रशेस की किट है जो कि बहुत अफोर्डेबल है और उसमें सारे वो ब्रशेज़ हैं जिसकी आपको ज़रूरत है पूरे एप्लीकेशन के लिए तो आप वो किट खरीद सकते हैं अपनी मेकअप किट के साथ सारी दुल्हनों को रेकमेंड करूंगी मैं और यहाँ जो भी कोई बिकनर है तो ये बहुत अच्छा प्यारा डेंस कब्बू किस्म का ब्रश है इससे मैं डबिंग मोशन में मेरे चेहरे पे फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी अब मेरी स्किन थोड़ी कॉम्बिनेशन टू ऑयली है सो ऑयली एंड कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन के लिए ब्रश बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि जो हमारे स्किन से नेचुरल ऑयल निकलते हैं ब्रश के साथ मिक्स होकर एक एयर ब्रश फिनिश देते हैं आपके फाउंडेशन को पर अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है फ्लिकी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ब्यूटी ब्लेंडर यूज करें कोई सी भी स्पंज सो so, अब डैबिंग मोशन में हम हमारे प्रॉब्लम एरिया से ब्लेंड करना शुरू करेंगे और बाहर की तरफ लेके जाएंगे या जहां पे भी आपके स्कार्स हैं पे ब्लेंड करना शुरू करें एंड बाहर की तरफ लेके जाएं मुझे लगता है कि ये जो फाउंडेशन का शेड मैच मेरी स्किन पे बहुत अच्छा है और फाउंडेशन भी बाजार में बहुत किस्म के अवेलेबल हैं और आपको कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए मेरी मस्ट हैव मेकअप किट वाली वीडियो पहले जरूर से देख लें ये वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट नो वीडियो देखना बंद मत करना पूरी वीडियो फिनिश करना अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे करना है आईज के ऊपर भी थोड़ा लगा देंगे अगर आईज के ऊपर डिसकलरेशन है क्योंकि हमारी स्किन पे होता है देन फोर हेड पे सो सो फार मैंने एक पंप लगाया है अगर आपको ज़रूरत लगती है कि एक और लगा लें तो आप लगा सकते हैं क्योंकि ये बिल्डेबल होता है आप मीडियम से फुल कवरेज तक बिल्ड कर सकते हैं मैंने एक पंप लिया है उसको मैंने हैंड पे ले लिया है क्योंकि मुझे पता नहीं मैं पूरा लगाना चाहूँगी या नहीं सो so, ब्रश पे लेते हुए जहाँ पे मुझे लग रहा है कि और ज़रूरत है वहाँ पे हम ब्लेंड करना शुरू करेंगे प्रटेंड करते हैं कि हम किसी इवेंट पे जाते हैं जा रहे हैं और हमें थोड़ी ज़्यादा ही मज़ेदार कवरेज चाहिए सो डबिंग मोशन में हम ब्लैंड करते जाएंगे चेहरे के हर तरफ इसी तरह इस चीज़ का ध्यान ज़रूर से रखें अगर आपका चेहरा गले से डिफरेंट है ना तो गले पे फाउंडेशन ज़रूर आना चाहिए अदरवाइज़ बहुत अजीब अजीबन गंदा लगेगा और इसका मैच काइंड ओके है जब मैं कॉन्ट्रॉ करूंगी तो ठीक हो जाएगा सो so, मुझे इतनी चिंता की ज़रूरत नहीं है अगर गले पे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं भी लगेगा चलेगा ओके okay, अगली बारी आती है कंसीलर की कंसीलर आप अपने चेहरे को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी डार्क सर्कल्स हैं या फिर अगर कोई इम्परफेक्शन गई है और आप नहीं चाहते कि और फाउंडेशन लगाए तो कंसीलर यूज़ कर सकते हैं मैं यूज़ करने वाली हूँ एल्फ का हाइड्रेटिंग कैमो कंसीलर बहुत मज़ेदार कंसीलर है पर मैं इसको मेरे चेहरे को हाईलाइट करने के लिए यूज़

बदकिसमित जिसे मेरी स्किन को थोड़ा पिक कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे पता है मेरी स्किन के लिए अच्छा नहीं है फिर भी मुझे मज़ा आता है क्या आप भी ऐसे करते हैं करते हैं तो बताना मुझे सो सेम ब्रश में डबिंग सेम ब्रश के साथ डबिंग मोशन में ही हम कंसीलर को भी ब्लेंड कर देंगे इससे हमारे चेहरे को एक मज़ेदार क्लप्चर्ड फिनिश मिल जाएगी और इसका जो मैंने शेड यूज़ किया है वो मैंने आपको बता दी ना इसका शेड मैंने यूज़ किया है लाइट पेश और ये कंसीलर मुझे लग रहा है फोर डॉलर्स का है और ये पूरा परफेक्ट डूप है टाट के शेप टेप का जो कि फोर्टी टू डॉलर्स का है चालीस डॉर का डिफरेंस है थर्टी प्लस डॉलर का डिफरेंस है एंड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है सो so इसी तरह हम हमारे नोज़ को भी खा कर लेंगे मेकअप ना प्लास्टिक सर्जरी जैसा काम करता है आप अपने अपने फेस को बहुत ही मज़ेदार शेप दे सकते हैं मतलब ऐसे कोई नकली शेप मत तो देना जो है उसी को इनहेंस कर सकते हैं हमें कोई ज़्यादा शाने मत बनना हो आप अपने चेहरे को बिल्कुल किसी और जैसा बना लो वैसे नहीं होगा दोस्तों छोटा सा ब्रश ले रही हूँ और मैं अंडर आइस के कंसीलर को भी आ, कर लूँगी कंसील क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसके ऊपर मैं फाउंडेशन वाला ब्रश यूज़ करूं। ये मेरा ना सेटअप सही नहीं है और मुझे ना शीशा नहीं है मेरे पास ऐसा लग रहा अन्नो जैसा कर रही हूँ मैं बिना देखे पर कैमरे में कौन सा दिख रहा है मुझे कि की हो रहा है कि नहीं इस तरह इस तरफ करेंगे तो ऐसा लगता है ना की कि आई कितनी अवेक एंड लिफ्टेड लग रही है और अगर आपको लगता है की ये आपके लिए टू मच है तो आप कोई से भी स्टेप को स्किप कर सकते हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको लकीर के फकीर बनना है वैसे ही करना है जो मैं कर रही हूँ आपको अगर कुछ और अच्छा लग रहा है तो गो फॉर चिंता नहीं करनी दोस्तों अच्छे कोई आपको जज नहीं कर रहा है छोटा शीशा लेके आई हूँ मैं नाउ आई कैन सी इसी कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद ना मैं मेरी आईलेट के ऊपर भी लगा दूंगी ताकि जब मैं कोई आई शेडो कलर लगाऊँ तो प्राइमर की जरूरत ना पड़े फाउंडेशन एंड कंसीलर हो चुका है अब हमारे फेस को थोड़ी शेप देंगे कॉन्टोर पाउडर के साथ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्रीम प्रोडक्ट यूज करना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि फिर फेस ना केकी लगना शुरू हो जाता है तो मैं मेब्लिन का सिटी ब्राउनजर यूज करूँगी इसे लूंगी मैं स्मॉल ब्रशेस के एंगल ब्रश पे एंड मेरे फेस को थोड़ा सा कॉन्टोर करूंगी इस काम के लिए आप क्रीम प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं पर मुझे लगता है कि ये मुझ पर ज़्यादा अच्छा काम करता है यू गाइस नो मेरी स्किन ऑयली है तो आई लव यूजिंग पाउडर प्रोडक्ट मोर सो चिन को भी हम थोड़ी शेप देंगे अगर आपके डबल चिन है तो ये स्टेप मस्ट है और जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 300 इसी तरह हमारी हेयर लाइन पर भी लगाएंगे अदरवाइज ये हेयर लाइन ना चिट्टी चिट्टी लगती है और फिर उससे मेकअप बहुत नकली लगता है तो ये छोटी छुट छोटी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है ताकि फिर आपका जो मेकअप है जो फिनिश होता है और इस टाइम नहीं लगाया मैंने चंगी अमाउंट में लगा लें चिंता ना करें हम इसे सेट कर देंगे थोड़ा सा नोज़ को भी कर लेते हैं नोज़ को थोड़ा मज़ेदार समय स्पेंड करके भी कर सकते हैं अच्छा कॉन्ट्रोर पर अगर आपके पास कट समय है और आप बिगेनर हैं और इतना ज़्यादा आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं तो अब मैं क्या करूँगी जिससे मैंने फाउंडेशन लगाया था ना उससे इस ब्लश को सॉरी ब्राउज़र को थोड़ा सेटल कर देंगे ताकि अगर वो डार्क है या अन है वो सारा एक जैसा हो जाए ओके सो धूप निकलनी शुरू हो गई है दोस्तों तो अद्धा मेरा पास सात चिट्टा हो गया है आई एम सॉरी ओके मेकअप वीडियोस के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं नेचुरल लाइट यूज करूँ तो फिर रब की दया पे ही काम चलता है दोस्तों ओके okay, सो so, हमारा फेस हो चुका है कॉन्टोर अब ब्लश की बारी आती है ब्लश के लिए मैं यूज करूंगी एल्फ का पटी ब्लश शेड का नाम है बहामाज ये क्रीम प्रोडक्ट है ये एक क्रीम प्रोडक्ट है पर इसकी जो आ, फिनिश बहुत ज्यादा प्यारी है बहुत नेचुरल लगता है ऐसा लगता है कि अंदर से ग्लो आ गया है ऐसा शेड है ये बहुत ही प्यारा पीची सा और हमारी स्किन पे बहुत अच्छा लगता है और मैं क्लीन ब्रश पे लूंगी इसे एंड मेरे एप्पल्स पे लगा लूंगी फाउंडेशन ब्रश के साथ ही इसे सेटल कर देंगे हर चीज़ का इलाज है हमारे पास था वैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो ज़्यादा रचना ले वैसे भी हमारे चेहरे पर ये नेचुरल लाली है इट्स ओके सो अब बारी आती है आई मेकअप की आप एक्चुअली फ़ाउंडेशन आई मेकअप के बाद भी कर सकते हैं पर मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ मुझे मज़ा आता है मुझे ना अधूरा लगता है जब मैं आई मेकअप कर लूँ और फाउंडेशन ना करूँ फिर मुझे लगता है कि ये वाला एरिया बेचारा रह गया सो so, मैं हमेशा से फाउंडेशन पहले करती हूँ पर आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करें सो मेरा फाउंड फेस मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है बाकी की चीज़ें हम बाद में करेंगे लाइक सेटिंग एंड ऑल सो मैं लेने वाली हूँ एल्फ की ब्यूटिफुल eyebrow palette and this uh, अब बहुत प्यारा एंगल ब्रश फॉर आई ब्रोज इस पर स्पूली भी है तो मैं यार एक तरह चीज़ें नहीं ओके सो मैं स्पूली के साथ मेरे आई हेयर को ब्रश कर लूंगी सबसे पहले उसका काम वो इसलिए क्योंकि जो हमने फेस पे प्रोडक्ट लगाया होता है ना वो आई में बस जाता है और उसको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है अदरवाइज बहुत अगली लगेगा देखिए कितना डिफरेंस आ गया ऑलरेडी सो so, इसी तरह इस तरफ करेंगे उसके बाद हम आईब्रो का मेकअप करेंगे सो वंस दिस इज डन नाउ वी कैन फिल आर आई ब्रोज आप देखें कि मेरे आई ऑलमोस्ट काफी फुल हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे सो so, जब मेरा आईब्रो मैंने स्पूली के साथ ब्रश कर लिया है तो मैं पाउडर यूज़ करती हूँ जो मेरे बालों से थोड़ा सा मिलता जुलता हो या लाइटर हो एंगल ब्रश पे लूँगी मैं उससे थोड़ा सा पाउडर एक्सेस को उतार दें हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है तो सबसे पहले हम आईब्रो की बिगनिंग यहाँ पे शुरुआत में एक लाइन से क्रिएट करेंगे जहाँ आपके नेचुरल बाल भी हैं सो वंस ये हो गया अपने बालों की जिस तरफ ग्रोथ जा रही है उसी तरफ हम ब्रश जैसे स्ट्रोक करेंगे सो वी आर डन विद दिस अगर आपको लगता है कि आप इस एरिया में ना इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा कलर मत डिपॉजिट करें क्योंकि बहुत फेक लगता है आप पीछे थोड़ा टशन पीछे थोड़े आप कलाकारी कर सकते हैं पर यहाँ पे नहीं करना अनलेस आपको बहुत पसंद हो सो so, इसी तरह मैं इस एरिया को भी थोड़ा क्लीन आउट कर दूँगी ऐसा लगे कि मैंने अभी अभी आईब्रोज ग्रूम किए हैं देन जहाँ भी आपकी नेचुरल ग्रोथ है उसी तरफ थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा कर सकते हैं पर ज़्यादा नहीं सो so, ब्रश कर दें और जो आपने कलर लगाया है वो सारी तरफ फैल जाए समथिंग लाइक दिस आई एम हैप्पी विद दिस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी इसी तरह अदर को फ़िल कर लेंगे आईब्रोज़ को फिल करने के बाद उनको सेट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है ताकि जो भी आपने मेकअप किया है वैसा का वैसा रहे और मैं ग्रेट मस्कारा यूज़ करती हूँ मेबलिन डार्क ब्राउन है इसका शेड इससे मैं अपने बालों को कॉम कर लूँगी आईब्रो के बालों को और जैसे मैं उनको रखूँगी वैसे ही रहेंगे हिलेंगे नहीं और इस तरह आईब्रो आप फिल कर सकते हैं सिंपल ईजी एंड क्लीन अब बारी आती है आई मेकअप की हम सो मैं करूँगी मॉर्फी की ये पैलेट यूज़ ये है थर्टी बहुत प्यारे शेड्स हैं इसमें कि हम थोड़ा दुल्हन किस्म का करेंगे तो मुझे लगता है हम इन शेड से प्ले करेंगे सबसे पहले मैं वो शेड लूँगी जो मेरी स्किन से थोड़ा सा लाइट है समथिंग लाइक दिस और उससे मैं लगा लूँगी मेरी पूरी क्रीज में और इस काम के लिए हमें थोड़ा फ्लफी ब्रश चाहिए होता है तो हम यूज़ करेंगे सिमॉर के ब्रशेस में से ये प्यारा फ्लफी ब्रश और इस शेड को मैं इस ब्रश पे लूँगी हम ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेंगे अगर ज़्यादा हो जाए एक्सेस को उतार दें और समस्वेयर हेयर रखेंगे कलर को देन अंदर की तरफ ब्रश के स्ट्रोक करेंगे एंड देन हमारी क्रीज़ की तरफ एंड थोड़ा बाहर की तरफ ताकि तिखी जी शेप आए हमें गोल मोल नहीं करना कुछ यहाँ पे आपको ब्रश को समवेयर यहाँ पकड़ना है अथे नहीं क्योंकि इससे ना ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और फिर आप कलर बहुत ज़्यादा हार्शली लगाएंगे थोड़ा लाइटली दूर से आर्टिस्ट की तरह ताकि अच्छी फ्लॉलेस फिनिश आ जाए आए फ्लॉलेस बोलेंगे या कि ना नकली हार्श लाइंस नहीं आनी चाहिए सो so, वंस आपने यहाँ पे कलर लगा लिया अब अंदर की तरफ हम क्रीज में भी कलर लगा देंगे जो भी बचा हुआ कलर है ये हमारा ट्रांजिशन शेड है अब इसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं कोई से भी और शेड राइट right? और अगर आपको नहीं भी करने हैं तब भी आपका कुछ नहीं जाएगा चलेगा इट्स ओके सो इसी तरह मैं इस तरफ लगाऊंगी एंड देन इसको अंदर की तरफ एंड थोड़ा सा यही वाले शेड को ना मैं मेरी लैश लाइन पे भी लगा लूँगी क्योंकि वहाँ पे कलर लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है एंड ये शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है ये पहला ट्रांजिशन शेड है इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी सो so, ये हमारा पहला ट्रांजिशन शेड हो चुका है कम्प्लीट ये साइड लाइट लग रही है क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी धूप आ रही है सो वी आर डन अगर आपको लगता है कि आपको इसको थोड़ा और डीप करना है थोड़ा छोटा ब्रश लेंगे और कलर को थोड़ा सा डीप कर लेंगे इस कलर के बाद ये वाला कलर मुझे लग रहा अच्छा रहेगा क्योंकि वो उसी की फैमिली का है थोड़ा सा लेंगे हमारे छोटे ब्रश पे एंड हम इसे ओनली क्रीज में रखेंगे समवेयर हेयर ये बहुत अच्छा स्टेप है उन दोस्तों के लिए जिनकी आइज़ थोड़ी सी हुडेड है इससे ना थोड़ी शेप मिल जाती है और कॉन्टर हो जाती है लाइक आपकी आईज़ ये स्टेप भी आप स्किप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी ज़िंदगी को मैं कॉम्प्लिकेटेड करूँ पर अगर आप ऑलरेडी लाइक like, थोड़ा सा आपको पता है कि कैसे प्ले करना है कलर्स के साथ तो उन दोस्तों के लिए है ये अब इसको भी मैं थोड़ा विंग बाहर की तरफ करूँ क्योंकि इससे आपकी आईज ओपन लगती हैं और जो पहले मैंने ब्रश यूज़ किया था उसी से मैं थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर दूँगी इसे पूरी तरह समझ नहीं करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये शेड यहाँ पर रहे सो वी आर डन अब हम कुछ नहीं करेंगे अब आप ये कर सकते हैं कि जो हमारा लिड का एरिया बचा है उसको क्लीन करके कोई शिमरी शेड लगा सकते हैं अगर आप नहीं क्लीन करना चाहते तो ऐसे ही शिमरी शेड लगा लें पर मैं उन दोस्तों को बता दूँ जो क्लीन करना चाहते हैं तो कोई सा भी कंसीलर लें उसे अपने हथे पीछे ले लें राइट सो so, प्यारा फ्लैट ब्रश लेंगे उस पर हम हमारे इस कंसीलर को लेने वाले हैं राइट एंड हम थोड़ा सा हमारी लिड एरिया को क्लीन करेंगे लिटल बेट कंसीलर की मदद से जैसे भी आप चाहते हैं शिमर शेड लगाना वैसे आप अपनी आई वैसे ही आप कंसीलर की प्लेसमेंट रख लें इस काम के लिए आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं कंसीलर मैं इसलिए रेकमेंड करती हूँ क्योंकि वो थिक है कंसीलर यूज़ करें जितना भी आपको शेप चाहिए वैसे ही आप क्रिएट कर लें सो so, जिस भी एरिया में आप हाईलाइट लगाना चाहते हैं शिमरी वहाँ पर आप इस कंसीलर को लगा लें सो so, अब बारी आती है शिमर लगाने की शिमर आपको जैसा भी अच्छा लगता है लगाएं अब मैं कौन सा लगाऊं ओके okay, इसमें बहुत सारे शिमर्स की ऑप्शन है कॉपर जैसा है पीची है एंड पिंक है एंड गोल्ड है एंड रोज़ गोल्ड है सो so, रोज गोल्ड लगाते हैं क्योंकि वो थोड़ा मेरी आउटफिट के साथ मैच भी हो जाएगा फिंगर पे लेके ही लगा ले मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन होती है ग्लिटर्स की जब आप फिंगर के साथ प्लेस करते हैं मैंने फिंगर पे लिया है एंड जहाँ पे भी मैंने कंसीलर लगाया है ना उस जगह पे मैं इसे लगा लूँगी इट अ वेरी ब्यूटिफुल शेड सो इस तरह हमने हमारी आईज़ पे लगा लिया है शिमर अब आप लाइनर लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो मैं ज़्यादातर लाइनर को स्किप कर देती हूँ क्योंकि मैं लैशज लगाती हूँ तो वैसे बहुत खूबसूरत लगता है एंड लाइनर वैसे भी छिप जाता है सो so, मस्कार के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ लैश पैराडाइज जो कि मैंने आपको बताया था कि आप भी खरीदें और लैशेज पे इनफ कोट अप्लाई करेंगे अगर आप लैशेस नहीं लगाने वाले हैं तो थोड़े एक्स्ट्रा करें मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि जब इसे लैशेस को लगाना आसान हो जाता है क्योंकि लैशेस को जगह मिल जाती है कि कहाँ पे वो जो शेड हमने डार्क हमारी क्रीज में लगाया था उससे हम हमारी लोअर लोअर लैश लाइन पे भी जरूर से लगाएंगे क्योंकि फिर ऐसे uh, हमारी लुक फिनिश होगी सो इस पॉइंट पे आपको हमें लोअर लैश लाइन पे मस्कारा भी लगाना है राइट right? पर उससे पहले आप काजल लगा सकते हैं अगर आपको लगाना चाहे आप लगाना चाहें तो अगर लगाना चाहें तो मैं नूट काजल लगाऊंगी क्योंकि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि ये दिन का इवेंट है पर अगर रात का है तो आप काजल लगाएं पर मुझे लगता है कि काजल लगाने से ना मेरी आंखें थोड़ी छोटी लगनी शुरू हो जाती है तो मैं बहुत नहीं लगाती हूँ पर बहुत सारे इंडियन आउटफिट्स के साथ आपको काजल लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत पिटी लगता है तो मैं नूट काजल लगाने वाली हूँ जो कि है रिमल लंडन की सुपर एग्जाजरेट लाइन से वैसे प्रोडक्ट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर जरूर से देख लें ये रोज़ गोल्ड के साथ परफेक्ट लगेगा एंड ऑल्सो मेरी आईज़ थोड़ी ओपन एंड बड़ी लगेंगी और मेरे पास एक ब्राउन लाइनर है जो कि पिक्सी से है और कोई सभी ब्राउन यूज़ करें मुझे सुपर एक्सक्जरेट के लाइनर बहुत अच्छा लगता है रिमल लंडन ब्रांड और ये ब्राउन लाइनर को मैं मेरे इनर आई कॉर्नर में लगाऊंगी टीय डक पे क्योंकि अदरवाइज़ मुझे लगता है बहुत ही ब्लरी एंड बेचारा दबा हुआ लगता है इससे ना थोड़ी है आँखों में और अगला पॉइंट है लोअर लाशेज पे काला लगाना अब आप लोअर लैश लाइन को और काला कर सकते हैं काला आई शेडो लगा के हम नहीं लगाएँगे हम सिर्फ काजल लगाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं हमारी लुक प्यारी हम सिर्फ मस्कारा लगाएंगे नोट काजल मैंने ना कल एक वीडियो देखी टिकटॉक पे उसने ना गर्ल ने अपनी लोअर लैशेस को कैंची के साथ काट दिया गाय लैशेस एक्चुअली गर्ल्स पे कितनी प्यारी लगती हैं दूसरी चीज़ है कि ये आपकी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी है कि आई में कुछ जाने लगे लैशेस उसको रोक ले कि रुको यहीं पर तुम तो अंदर नहीं जा सकते सो मस्कारा लगा लिया है मैंने अब हम लैशेस लगाएंगे सो so, लैशेस के लिए मैं यूज़ करूंगी ब्यूटिफुल स्मॉल लैशेस हमारे पास uh... दस से ज़्यादा स्टाइल्स हैं और मुझे लगता है कि दुल्हनों के लिए नेचुरल स्टाइल्स हर किस्म का स्टाइल हमारी वेबसाइट पर जरूर से जाएं एंड खरीदें जो मैं स्टाइल आज यूज़ करने वाली हूँ वो है गोवा वो परफेक्ट है नेचुरल एंड ड्रोमेटिक लैशेस के बीच का है वो सो बहुत मज़ेदार लगता है मुझे लैशेज लगाने के आसान तरीके आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूँगी पर एक चीज़ बता देती हूँ कि लैशे को लगाने के लिए मैं ग्लू यूज़ करती हूँ ड्यू ब्रांड का बहुत मज़ेदार है इससे आपकी लैशेज लगाने की जिंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी क्योंकि ये अच्छा काम करता है और जो शेड है मेरा वो ब्लैक है एंड uh, ये आपके आई लाइनर के साथ ही स्मज हो जाता है पता नहीं चलता है कि अलग से ग्लू लगाया है कई बार ग्लू अजीब सा दिखता रहता है ना वैसे तो ग्लू ड्राई होके डार्क ही हो जाता है पर अगर आप ये लेना चाहें तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा है सो so, जब तक मेरी लैशेस ड्राई होती है मैं ना फाउंडे पाउडर लगा लेती हूँ मेरे फेस को सेट करने के लिए पाउडर के लिए भी मैं सिर्फोरा का सेफोरा की कलेक्शन का पाउडर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये पाउडर फाउंडेशन है और इससे भी मेरे स्कार्स को थोड़ी कवरेज मिल जाती है शेड है ट्वेंटी सिक्स और मैं सारे एक बिग फ्लफी ब्रश पे सारे फेस पे लगा लेती हूँ लाइक थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा नहीं एवरी वेयर टाइनी बेट और गर्दन की तरफ ड्राइ कर देंगे और इतना करते हुए ही हमारी लैशेस ड्राई हो चुकी होंगी और इसके लिए मैंने कहा था कि एक नन्ना सा स्टेप करेंगे वो है कि हम ये लिक्व लाइनर लॉरियल का लिक्व इंटेंस उसको लेके क्रिएट करेंगे ऐसा कि हमने विंग किया है परफेक्ट है उन दोस्तों के लिए जिनके लिड का स्पेस कम होता है सो हम इस एरिया में एक पिद्दी विंग क्रिएट करेंगे और उसको बाहर की तरफ ड्रैग कर देंगे ऐसे लगेगा कि लाइनर है बट है नहीं सो वो लिखा पाएंगे लोगों को सो so, इसे आप इनर आई कॉर्नर में भी कर सकते हैं करना चाहें तो और इससे एक और चीज़ होगा कि अगर आपकी लैशेस की कोई मिस्टेक है वो छुप जाएगी एंड सारा कुछ फ्लॉलेस हो जाएगा और समटाइम मैं इनर आई कॉर्नर में भी विंग क्रिएट करना पसंद करती हूँ क्योंकि उससे फिर आईज़ की शेप बहुत प्यारी लगती है स्पेशली इंडियन आउटफिट्स के साथ सो यस वी आर डन विद हमारा ब्यूटीफुल आई मेकअप सो लिप्स के लिए मेरे पास बहुत ही प्यारा एक शेड है जो कि है लिक्व लिप्सटिक फ्राम वेट एन वाइल्ड इस शेड का नाम है मोर गिव मी मोका बहुत 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 प्रिटी नूड ब्राउनिश किस्म का शेड है ब्राउन uh, स्किन के लिए uh, ज़रूर से ट्राई करें और मेरी कोशिश थी कि मैं सारा कुछ अफोर्डेबल करूँ तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है और इसे हम हमारे लिप्स पर अप्लाई कर लेंगे Guys can see such a pretty लिप्स के लिए एक टिप बताना चाहती हूँ की लिप्स पे लिप बाम जरूर से लगाए और अगर आपको लगता है कि लिप्स ड्राई हैं तो शुगर में कुछ भी ऑयली सा यूज़ करके लाइक ऑलिव ऑयल कोकोनट ऑयल उसको स्क्रब कर ले लिप्स पे सारी डेड स्किन उतर जाएगी तो लिपस्टिक बहुत फ्लॉलेस लगेगी और एकदम ऐसे ड्राई चैप्ट लिप्स पे मत लगाएं सोने से पहले ज़रूर ही कोई ना कोई लिप बाम जरूर लगाया करें जैसे मैं यूज़ करती हूँ ललनाश की लिप बाम बट अफोर्ड और अफोर्डेबल में ये बहुत अच्छा लिप बाम है यह है एल्फ का राइडर डाय लिप बाम और जो शेड मैं यूज़ किया है मैंने आज मैंने करके रखा था वो है बेरीस बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी काफ़ी ज़्यादा थिक है और मुझे लगता है किसी भी डीहाइड्रेटेड लिप्स को हाइड्रेट कर देगा ये एक तो है हाइलाइटर उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर बहुत प्यारा है ये और इसमें ये सारे नन्हे मन्ने जो भी शेड हैं इन सबको मिक्स करके एक्सेस को उतार के मैं मेरे हाई पॉइंट पे लगा लूँगी दिमा ब्रशेस का ये जो एंगल्स आया ना इस एंगल वाली टिप को मैं यूज़ करती हूँ मेरे फेस को हाईलाइट करने के लिए ये स्पेशली दुल्हनों के लिए है जिनको बहुत मज़ा आता है प्यारी प्यारी हाई दुल्हन लगने का किसी भी पार्टी में सो so, वो कईयों को अपने फेस पे ज़्यादा प्रोडक्ट लगाना अच्छा नहीं लगता है बट आई सी आई स्क्रीन से कितना मेरा चेहरा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया हाईलाइटेड लगाते समय ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर जो भी आपके चेहरे की इनपरफेक्शन है उन पर उस पर मत लगाएं क्योंकि फिर वो भी चमक जाएंगी दूर से पता चलेगा कि आपके चेहरे पर टेक्स्चर है वो बिल्कुल हमें नहीं चाहिए है हम दुनिया में सबसे बेस्ट लगना चाहते हैं कोई भी गलती नहीं लगनी चाहिए राइट सो so, एक लास्ट स्टेप रह गया है वो है सेटिंग स्प्रे सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उससे जो भी आपने चीज़ें यूज़ की है ना एकदम सेटन टू तो प्लेस हो जाएंगी दूसरी चीज़ है अगर आप अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करते ना वो पूरा सेटल डाउन हो जाएंगे मैंने बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं यूज़ किया है पर फिर भी मुझे ये सेटिंग स्प्रे बहुत अच्छी लगती है ये मे की लास्टिंग फिक्स है और इसकी फिनिश मैट है ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है पर इनके पास एक डुई फिनिश वाली भी है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो वो आप यूज कर सकते हैं बालों को ढक लें दो चार पंप थोड़ी दूरी पे रख के करें एंड ना नेड़े मत रखें कि मेकअप ही पिघल जाए और अब अपने चेहरे को ड्राई कर लें सो so, चेहरे को ड्राई कर लेते हैं एंड इस तरह आपका ब्यूटीफुल प्यारा बहुत ही ईजी मेकअप लुक तैयार है लिप्स देखें कितने प्यारा शेड है ना ये और अब थोड़ा आप ज्वेलरी वुलरी ऐड करें एंड यू आर डन मैं भी ऐड कर लेती हूँ एक को चुमके लेके आती हूँ गाइस मुझे ज्यादा चुमके मिल नहीं रही है ठीक लगेंगे ट्राई कर लेते हैं ऑनलाइन right, दोस्तों तो ये मैंने पहन लिए हैं चुमके आ, ऐसे इयर की की बहुत बड़ी दीवानी तो नहीं हूँ बट बिकॉज हम इमेजनरी पार्टी में जा रहे हैं तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पहनना पड़ेगा तो इसलिए मैंने पहन लिया है आई होप ये अच्छे लग रहे होंगे और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा मैंने आपको बताया है कि अगर मैं तैयार होंगी तो स्टेप बाय स्टेप कैसे होती हूँ ऐसे मुझे अद्धी चीज़ें लपती नहीं है आज मैंने ना इस एरिया में मेडिटेट किया वैसे मुझे पता होता कि मैंने कहाँ पर क्या क्या रखा है पर बिकेज मैं यहाँ पे आज मेडिटेट करी थी, थी क्योंकि इस रूम में बहुत अच्छी धूप है तो मैंने सारी चीज़ों को एदर ड्रैक कर दिया एंड अब मुझे मिल नहीं रही थी अद्धि चीज़ें बट या एंड ऑफ स्टोरी मुक गल यह है कि ये हमारा फिनिश लुक है उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अच्छा लगा होगा और आप भी सीख पाए होंगे कि आप कैसे तैयार हो सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई भी मेकअप से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट बार में ज़रूर से छोड़ना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना उससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं या नहीं और मेरी कोशिश होती है मेकअप की वीडियोज़ को लेकर कि मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत बेसिक समझाऊँ कि सारे दोस्तों को मेकअप करना आ जाए Uh, उम्मीद करती हूँ कि ये uh, आप तक मैसेज पहुँच रहा होगा एंड मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू गाइज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग वी इज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन दैट्स इट इजी पीजी लैव को इजी आई लव यू गैस सो वेरी मच बाय